हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद रेसिपी की वीडियो डालने जा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम से घर से बाहर थी इसके लिए। और आज हम बनाएंगे बेसन के पकोड़े। जैसे कि आप जानते हैं, कभी कभी हम तो यहाँ पर हमने लिए है 3 प्याज, लहसुन, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। और यहाँ पर हमने धनिया को बारीक काट लिया है, और यहाँ पर हम हरे मिर्च को जो है वो बारीक काट रहे हैं, बीच से चीर कर इन्हें हम काट रहे हैं। आप देख सकते हैं मक्खियों का बहुत उपद्रव है, क्योंकि मैं इस समय गई हूँ अपने मायके के गांव यूपी, तो वहाँ पर मक्खियों का कुछ ज़्यादा ही उपद्रव है। तो यहाँ पर प्याज मैंने प्याज काट रही हूँ। आप जानते हैं कि प्याज काटते समय हमें आँखों में बहुत सा प्याज रुला देता है, तो प्याज ना रुलाए हमें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसे डुबो कर पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। उसके बाद इसे हम छील कर फिर से पानी में डुबो कर रख दें तो हमें यह प्याज रुलाता नहीं है और आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पर हमने प्याज, देखिए आप, इस तरह से मैंने काट कर दोनों साइड के भाग और उन्हें अच्छे से छील कर उनके 2 टुकड़े करके पानी में डाल दिए हैं। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद इसे हम बारीक से काट लेंगे प्याज को, तो इससे हमारे आँखों में आंसू नहीं आते हैं। तो सारे प्याज हम इसी तरह तीनों तीन हम काट लेंगे बारीक से। हम कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में सब्जी पड़ी नहीं होती है और हमें दाल खाने की इच्छा नहीं होती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे घर बेसन पड़ा है तो हम बेसन से बहुत बढ़िया स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़े की बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे हम चपाती, पराठा और चावल से खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम प्याज को इस तरह से काट रहे हैं। सारे प्याज को हम इसी तरह से बारीक सा काट लेंगे। कढ़ी पकौड़े की सब्जी हमें चपाती और भात से बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने लहसुन छील लिया था, और यहाँ पर मेरे पास मिक्सी जार नहीं है, तो हमने यहाँ पर सिलबट्टे के जो पत्थर होता है उससे यहाँ लहसुन को हम बारीक सा कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लहसुन यहाँ पर बारीक सा कूट गया है, और इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। यहाँ पर हमारी हरी मिर्च, धनिया और सारे बारीक कर चुके हैं। यहाँ पर हम बेसन को चाल देंगे। छालनी से चालना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिर हमारी गुठलियाँ ना रह जाए, क्योंकि जब गुठलियाँ रह जाती हैं तो वो पानी शोषित नहीं करती हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी सी अच्छी नहीं लगती हमें खाने में। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब बेसन लिया है, और इन्हें अच्छी तरह से हमने छलनी में छान लिया है। छलनी से छान लेना चाहिए हमें। और देखिए यहाँ पर हमारा बेसन हमने ले लिया है। तो यहाँ पर हमने बेसन में पानी डाला है, और पानी हमें कितना लेना है वह अभी बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसका घोल बना लेंगे। अगर आपके पास विस्कर है तो विस्कर से आप इसे घोल बना सकते हैं बढ़िया सा, जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह का घोल हमें यहाँ बनाना होगा। तो मेरे पास यहाँ विस्कर नहीं है, तो मैंने इसे हाथ से ही बनाया है। यहाँ पर मैंने मिर्च डाल दी है, मिर्च थोड़ी सी हमने यहाँ बचा ली है, और इसी तरह से हम थोड़ा सा प्याज बचा लेंगे, क्योंकि इससे हमें फिर बाद में कढ़ी में तड़का देना होगा। और यहाँ हरा धनिया भी हमने ले लिया है, हमने यहाँ लहसुन भी ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर मसालों की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1/2 स्पून के करीब नमक लिया, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर 1/3 हमने हल्दी लिया था, 1 चम्मच यहाँ पर हमने धनिया पाउडर लिया है, और गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच, यहाँ पर हमने मिर्च पाउडर लिया है। आप जितना तीखा चाहें उस हिसाब से मिर्ची हरी या लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए आप, इस तरह से हमने यहाँ मिला लिया है। अभी इसमें हम तेल गरम हो जाने के बाद ऐड करेंगे। तो इसी तरह का हमें यहाँ बेसन का घोल बना लेना है, और उसके बाद फिर हम इसमें तेल ऐड करेंगे, और जिस समय हम पकोड़े बनाएंगे उस समय हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने
लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी जला दी है और यहाँ कढ़ाई हमने रख दी है गर्म होने के लिए। हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम तेल ऐड करेंगे। तेल यहाँ हमने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि तला हुआ तेल बाद में हम नहीं खा सकते हैं, इसलिए हमें जितना चाहिए उतना ही तेल ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर हमने गरम तेल भी ऐड कर दिया है और उसके बाद थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से फिर से हम थोड़ा पतला कर लेंगे बेसन का घोल। और इसी तरह का हमें घोल होना चाहिए जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह का। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह से हम पकोड़े तेल में डाल के इन्हें अच्छी तरह से तल लेंगे। हमें बहुत ही ज़्यादा तलना नहीं है पकोड़े, पकोड़े हमें ब्राउन थोड़े हो जाए वहीं तक ही तलना है। तो इसी तरह से हम सारे पकोड़े तल लेंगे। इन्हें हम पकोड़ों को इसी तरह से सारे डाल रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से चलाते हुए इन्हें हम तल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है पकोड़े, हम इन्हें उलट रहे हैं और सारे पकोड़े हमारे तल चुके हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें पकोड़े चाहिए यहाँ, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं तलना है, इन्हें ब्राउन होने तक नहीं तलना है, हमें थोड़े से कम ही तलने हैं ताकि ये बढ़िया से हमारे कढ़ी में जो है मिल जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हमारे पकोड़े देखिए आप, इसी तरह से हमने तले हैं यहाँ। कढ़ी पकोड़े की सब्ज़ी खाने में वैसे बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब का बटन अगर हिट करेंगे तो इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, पर आपका कुछ भी यहाँ पर सिर्फ हिट ही करना है उतना ही होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आप सब का साथ ही मुझे आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए कि हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर नहीं पसंद आती है तो प्लीज़ डिसलाइक करिए, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। अपने मित्रों और अपने परिवारजनों में प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर करना ना भूलना। तो आप देख सकते हैं हमने सारे पकोड़े इसी तरह से तल लिए हैं। यहाँ पर थोड़े से पकोड़े मैं बच्चों को खाने के लिए अलग से निकाल रही हूँ और सारे पकोड़े हमारे यहाँ बन चुके हैं। यहाँ पर ये पकोड़े हम ज़्यादा तलेंगे, जो बच्चों को खाने के लिए हम बनाएंगे उन्हें हमें उसी घोल में हमने बना लिए थे जो बच्चों के लिए पकोड़े बनाए हैं वो। यहाँ हमारा तेल ज़्यादा था तो हमने तेल निकाल लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं हमने सरसों डाल दिया है, बचे हुए जो मिर्च थी वह डाल दी है, बचे हुए यहाँ हमने प्याज डाल दिए हैं और बचा हुआ हमने लहसुन ऐड कर दिया है। इन्हें अच्छी तरह से हम चलाएंगे और यह जैसे लहसुन हमारा ब्राउन कलर का हो जाएगा तो उसमें हम यहाँ पर आधा टेबल स्पून के करीब बेसन को, सूखे बेसन को डालकर उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा यहाँ पे हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून, 1 छोटी स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर हमने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्हें हमने बहुत ही जल्दी जल्दी अच्छी तरह से भून लिया। जो हमारा पकोड़ों का घोल था वह बचा था तो उसे हमने इसमें पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह से बना लिया था घोल, जिसे हम कड़ी पकोड़े में डाल सके। तो यहाँ पर हमने 2 लोटे के करीब पानी ऐड कर दिया है और इन्हें अच्छी तरह से चला देंगे ताकि गुठलियाँ हमारे बेसन में ना पड़े। तो यहाँ पर हमने
1/3 हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढकने से हमारी जल्दी से जो कढ़ी है वह बन जाएगी। यहाँ पर हमने खोल के देखा तो हमारी कढ़ी जो है उसमें बलक आ गई थी, तो हमने अच्छी तरह से इसे घुमा दिया और यहाँ पर हम सारे जो पकोड़े बनाए थे वो ऐड कर देंगे। पकोड़े ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे और पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आइए चलें हम देखें कि हमारे कढ़ी पकोड़े कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कढ़ी पकोड़े बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है। तो यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हमारा हरा धनिया जो ऐड कर किया उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। हरा धनिया आप उतारने के बाद भी गैस पर से या चूल्हे पर से उतारने के बाद भी आप डाल सकते हैं, पर यहाँ मैंने पहले ही डाला है। देखिए आप हमारा कढ़ी पकौड़ा कितना बढ़िया सा बन चुका है, आप देख सकते हैं। आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने परिवारजनों के साथ हमारी इस रेसिपी को और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।